गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो मृत्यु और परलोक के रहस्यों को प्रकट करता है। यह पुराण विष्णु के वाहन गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें मृत्यु के समय मानव के साथ होने वाली घटनाओं और आत्मा की यात्रा का विस्तृत विवरण मिलता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय मानव के साथ क्या होता है। मृत्यु के समय की अवस्था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगता है। शरीर के अंगों का क्रमशः विफल होना प्रारंभ होता है। सबसे पहले पैरों की शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर क्रमशः हाथ, शरीर का मध्य भाग और अंत में सिर प्रभावित होते हैं। इस दौरान व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। प्राणों का निकलना। जब मृत्यु का समय अत्यंत निकट होता है, तब प्राण व्यक्ति के शरीर से निकलने लगते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि प्राण नाभि से ऊपर की ओर उठते हैं और ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष से बाहर निकलते हैं। इस समय व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है, जो उसके पिछले पाप कर्मों का फल होता है। प्राणों का यह निकलना एक कठिन प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति के संचित कर्मों का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यमदूतों का आगमन। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए विशेष प्रकार के बंधन में बांधते हैं। यह बंधन आत्मा के कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अधिक पाप किए होते हैं, उनके लिए यह बंधन और अधिक कठोर होता है। वहीं पुण्यात्माओं के लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत सुखद होती है। यमलोक की यात्रा। आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां यमराज न्याय करते हैं। इस न्याय प्रक्रिया में आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दरबार में चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के समस्त कर्मों को प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक का मार्ग दिखाया जाता है। कर्मों का फल। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें स्वर्ग में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वहीं पाप कर्म करने वाली आत्माओं को नरक में विभिन्न प्रकार के दंड भुगतने पड़ते हैं। नरक के दंड अत्यंत कठोर और कष्टदायक होते हैं, जो आत्मा को उसके पाप कर्मों का अनुभव कराते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म की प्रक्रिया का भी वर्णन मिलता है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य, धर्म और सत्कर्म आवश्यक होते हैं। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के समय की घटनाएं और आत्मा की यात्रा जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती हैं। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और धर्म के मार्ग पर चलें, ताकि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुखद यात्रा और मोक्ष प्राप्त हो सके।